मेरे चैनल पर मैं ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करूं जो कि अफोर्डेबल हो दूसरा गुड क्वालिटी हो ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके हर कोई उसको यूज कर सके कुछ टाइम पहले मैंने इन साइड कॉस्मेटिक रिव्यू किया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और मुझे कई सारे कॉमेंट रिसीव हुए थे कि जो इन साइड कॉस्मेटिक के और भी लिप प्रोडक्ट है उनको भी ट्राई करो सो मुझे लगा चलो इस बार लिप क्रियॉन ट्राई करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इन लिप क्रियॉन्स के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूं सो विदाउट एनी फर्दर दर लेट्स मूव ऑन टू बी ऑल राइट काइज तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ये इनसाइट कॉस्मेटिक मेगा लास्ट क्रेन लिपस्टिक जिसका प्राइस है टू फिफ्टी फाइव रुपीज़ जिसमें आपको मिलेगी वन पॉइंट थ्री ग्राम्स की क्वान्टिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है थ्री ईयर्स की इसमें टोटल ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स शेड्स लॉन्च हुए हैं बट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेवन शेड्स हैं क्योंकि सारे शेड्स लेना पॉसिबल नहीं है बट जो भी शेड्स मेरे पास हैं मैंने बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया है मैंने इस तरह के शेड्स लिए हैं जो कि अभी तक मेरी कलेक्शन में नहीं थे या जो मुझे यूनिक लगे या जो हर स्किन टोन पर चले जाए मैंने इस तरह के शेड सेलेक्ट किए हैं कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होंगे और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की वाइट कलर की रिट्रैक्टबल पैकेजिंग है जस्ट आपको ऐसे ट्विस्ट करना है एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा इसके पीछे आपको एक शार्पनर भी मिलेगा अगर आपको शार्प करना है तो इससे शार्प कर सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग के बैक पर और इसके इनर पैकेजिंग के स्टिकर पर मिल जाएगी लाइक like इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट शेड नेम सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी तो जरूरी नहीं है कि आपको आउटर पैकेजिंग संभाल के रखनी है और ये जो लिपस्टिक है ना ये एट आवर्स तक लास्ट करती है स्मच प्रूफ है ट्रांसफर प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ भी है वैसे इसमें कहीं मैंशन नहीं है कि ये वाटर प्रूफ है लेकिन मैंने टेस्ट करके देखा है ये बिल्कुल भी हटती नहीं है सॉफ्ट मैट फिनिश है इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल वो पाउडर मैट वाला जो फिनिश है वैसा नहीं है और ना ही इसमें कोई शाइन है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी फिनिश एंड वन स्वाइप में आपको पिगमेंटेशन मिल जाएगी इस तरह के क्रॉन्स यूज करने का ना एक फायदा और होता है कि आपको अलग से लिप लाइनर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सम टाइम जब हम लिप लाइनर यूज करते हैं तो शेड का इशू हो जाता है हमें ढूंढना पड़ता है कि इस लिपस्टिक के लिए ये लिप लाइनर यूज करें या इसके साथ ये यूज करें बट बट इस तरह के जो लिप क्रेन होते हैं उनकी टिप काफ़ी ज़्यादा फाइन होती है आप चाहें तो पहले उससे लिप्स को अपने कॉन्ट्रोल कर सकते हैं देन सेम लिप क्रेन से आप उसको फिल कर सकते हैं एंड जब मैं यहाँ पे सॉच कर रही थी ना तो आप देखेंगे कि मैं बार बार इस तरह से ग्लाइड कर रही हूँ मुझे लगा कहीं आप लोग ये ना सोचें कि ये पिगमेंटेड नहीं है लेकिन ये बहुत पिगमेंटेड है मैं इसलिए इस तरह से बार बार ग्लाइड कर रही थी ताकि थोड़ा सा वाइड सॉच हो और आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखे इसके जो कलर्स हैं वो क्लियर आपको दिखे मैं जब भी

अगर आपकी स्किन फेयर है तो उस पर काफ़ी सुंदर लगेगा लेकिन साथ के साथ अगर आपकी स्किन मीडियम है या डस्की है तो ये उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया मेरे फेस पर एक ब्राइटनेस आ गई एक चमक आ गई तो अगर आपका स्किन टोन मेरे से मैच करता है तो आराम से आप इसको ले सकते हैं दूसरा जो शेड है वो है जीरो थ्री ऑन माई वे ये जो शेड है इसमें पीच का हिंट है मतलब ये पीचिस न्यूट है इसको अप्लाई करने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा ये मुझे वॉश आउट कर रहा है लेकिन अगर मैं इसको मेकअप के साथ अप्लाई करूँगी तो ये परफेक्ट लगेगा अभी मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है तो मे बी इस वजह से ये मुझे थोड़ा सा वॉश आउट कर रहा है लेकिन विदाउट मेकअप भी मैं इसको डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ अगर लगाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा वो जो ओमरे इफ़ेक्ट होता है ना वैसा इफेक्ट आएगा नेक्स्ट शेड जो है वो है जीरो फाइव वाट्स डन इज़ डन और ये जो शेड है ना ये इसके पहले वाले शेड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है लेकिन उसमें पीच का हिंट था और इस पिंक का हिंट है तो मतलब ये पिंकिश न्यूड है और इसको भी अप्लाई करने के बाद मुझे ये चीज़ लगी कि ये थोड़ा सा मुझे वॉश आउट कर रहा है लेकिन रीज़न वही है कि मेकअप के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा अभी मैंने मेकअप नहीं किया है एंड विदाउट मेकअप मैं इसको डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ अप्लाई करूंगी एंड नेक्स्ट शेड जो है वो है जीरो सिक्स हेड अबव वाटर और ये जो शेड है ना ये मरूनिश रेड है लेकिन प्रॉपर मरून नहीं है इसमें बेरी वाला थोड़ा सा इफेक्ट है मुझे काफ़ी अच्छा रेड लगा मतलब बेरी मरून एंड रेड सब कुछ मिक्स है और ये जो शेड है ये भी मीडियम स्किन पे एंड डार्क स्किन पे डी स्किन पे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा एंड फेयर स्किन पे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं ना उस उसपे भी ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड है कि नीचे की पिगमेंटेशन को ये हाइट कर देगा और नेक्स्ट शेड जो है वो है टेन जम्पिंग द लूप्स ये शेड मुझे काफी अच्छा लगा काफी यूनिक लगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे जो 90s में हीरो वाला वाला अगर आप लोगों को याद हो तो उस तरह का आ गया है मेरी कलेक्शन में इस वजह से मैं काफ़ी ज्यादा खुश हुई इस शेड से और ये मेरी स्किन पर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था एंड नेक्स्ट शेड जो है वो है आई एम अस्ट एंड ये जो शेड है ये रेड है लेकिन इसमें भी मरून का हिंट है डार्क रेड वॉम रेड ऐसा रेड है एंड इसका जो नाम है वो बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट है आई डोंट नो ये नाम क्यों रखा है इस शेड का आई थिंक ये शेड काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है इस वजह से इस तरह का नाम इसका रखा है एंड ये शेड भी मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब अगर आपकी स्किन मेरे स्किन टोन जैसी है ना तो इस शेड को ज़रूर एक बार ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है ये एंड नेक्स्ट शेड जो है वो है थर्टीन वेट फॉर नन और ये शेड पिंकिश न्यूड है अगर आपकी स्किन फेयर है तो बिल्कुल परफेक्ट न्यूड है आपके लिए बट अगर आपकी स्किन मीडियम है या डस्की है मेरे जैसी है तो ये आपको वॉश आउट कर सकता है विद मेकअप विदाउट मेकअप वॉश आउट करेगा बट इसके साथ अगर आप एक डार्क कलर का लिप लाइनर अप्लाई करेंगे तो परफेक्ट होगा मैं हमेशा यही करती हूँ जो भी शेड मेरे पे लाइट होता है मैं उससे एक शेड डार्क लिप लाइनर यूज करती हूँ एंड वो परफेक्ट होता है एंड मैंने इसको यहाँ पे टेस्ट करके भी दिखा दिया बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है ना ही ये इसम होती है अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन लिप लिपक्रेउन्स के बारे में फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी और अगर आपको इनमें से कोई सा भी लिप लिपक्रेउन ट्राई करना है तो इन सब के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर